नमस्कार दोस्तों, आसमान छूती महंगाई से त्रस्त भारतवर्ष की जनता के लिए आज भारत सरकार का दिल पसीजा और भारत सरकार की ओर से कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल डीजल की रेटों में रिडक्शन के रूप में घोषित की गई है। तो इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपके सामने और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीफ दी है या इसका हम पर सीधा क्या असर हो सकता है, ये एनालाइज करने की या ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली अहम महत्वपूर्ण बात कि एक्साइज ड्यूटी में भारत सरकार ने 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में कम किए हैं, 6 रुपए प्रति लीटर डीजल में कम किए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इसकी वजह से पेट्रोल के प्राइस 9.5 रुपए पर लीटर और डीजल के प्राइजेस 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। अब देखने वाली बातें दो हैं कि क्या इस प्रकार के कट के अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी ड्यूटीज में कमी करती हैं, और दूसरा प्रश्न कि ये जो कमी भारत सरकार की ओर से दी गई है, जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, क्या वो इस कट में से अपना कोई प्राइस ना निकाल लें। तो अगर ये जो प्राइस कट हुआ है ये इसी रूप में लागू हो गया तो भी सर इसका एक व्यापक असर महंगाई को कंट्रोल करने के रूप में आगे आने वाले समय में दिखेगा। दोस्तों, दूसरी घोषणा भारत सरकार ने करी है, अ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ रुपीज 1.10 करोड़ विच विल बी इन एडिशन टू 1.05 लाख करोड़ इन दिस ईयर्स बजट। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का आप सीधा मतलब ये समझें कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का मूल रूप से बेनिफिट कृषि क्षेत्र को होता है, और अगर कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत सरकार बढ़ाती है तो इसका कृषि उत्पादों की दर पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कृषि उत्पाद महंगे नहीं होंगे। इसका भी सर एक दूरगामी प्रभाव कृषि उत्पादों का यदि मूल्य नहीं बढ़ता तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी घोषणा है दोस्तों, अ सब्सिडी ऑफ रुपीज 200 पर गैस सिलेंडर टू ओवर 9 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो बेनिफिशरीज हैं उनको, ये सामान्य हर केस में नहीं है, केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अगली घोषणा भारत सरकार ने करी है, रिडक्शन ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडियरीज फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वेयर इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंस इज हाई। बेसिकली इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम जो प्लास्टिक प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं उनकी कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस करने जा रही है, तो इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के रेट्स कम होंगे। अगेन दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया। इसी प्रकार दोस्तों, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सम रॉ मटेरियल ऑफ स्टील विल बी रिड्यूस, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषणा कर रही है, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी टू बी लेविड ऑन सम स्टील प्रोडक्ट, के स्टील से रिलेटेड रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट पर ड्यूटी कम की जाएगी और एक्सपोर्ट पर बढ़ाई जाएगी। इसका प्रभाव ये होगा कि जो लोहे के भाव, आयरन के भाव जो बढ़े हैं उनमें भी कुछ हद तक नियंत्रण आएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी जो मैंने आपके सामने रखी। दोस्तों, निश्चित रूप से आसमान छूती महंगाई के कई कारण हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, साथ ही नियर पास्ट में अमेरिका द्वारा भी जो अपनी फेड की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट भारत भी अछूता नहीं रहने वाला। लेकिन भारत सरकार की ओर से किए गए ये प्रयास निश्चित रूप से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, ऐसा मैं मान सकता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।